हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्निंग पॉइंट में। फ्रेंड्स, पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि पीयू समय पर जारी करेगा स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट। जी हां फ्रेंड्स, जैसा आप सभी को पता है कि बिहार सरकार के निर्देश के अनुसार से पटना यूनिवर्सिटी एवं बिहार के सभी यूनिवर्सिटी जो है अभी बंद कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। यही सारी परीक्षाएं जो स्थगित हो गई है, फिर भी पटना यूनिवर्सिटी समय पर जारी करेगा रिजल्ट, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चलिए इस वीडियो हम जानते हैं विस्तार से। तो देखिए, यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स, पटना विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट के पेपर थर्ड की हुई परीक्षाओं से जुड़ी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन कार्य शुरू हो गया है। जी हाँ, आप सभी को पता है कि पटना यूनिवर्सिटी का एक ही एग्जाम जो था जो बची हुई थी और सारा एग्जाम हो चुके थे, जिस वजह से बिहार सरकार निर्देश के अनुसार जो है लास्ट एग्जाम को रोक दिया गया था। तो उसमें जो है अभी तक जितना सब्जेक्ट के एग्जाम हो चुके हैं, जिसमें पटना स्नातक पार्ट के पेपर थर्ड की हुई परीक्षाओं से जुड़ी उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। अभी तक जितना भी पेपर हो चुकी है, उन सारा पेपर का जो मूल्यांकन कार्य है वो शुरू हो चुका है। दरअसल जब विश्वविद्यालय को 31 मार्च तक बंद करने का निर्णय लिया गया, उस समय तक स्नातक रेगुलर कोर्स में पार्ट थर्ड में केवल एक पेपर की परीक्षा बाकी रह गई थी। तो जैसा आपसे को पता है कि जैसा एक निर्देश आया था उसके बाद जो है एक पेपर की परीक्षा बाकी रह गई थी, ऐसे में उन छात्रों का रिजल्ट कुछ दिनों के लिए लटक गया। परीक्षा नियंत्रक आर के मंडल ने बताया कि फिलहाल परीक्षाएं स्थगित है, लेकिन एकेडमिक कैलेंडर के समय पालन और छात्रों के समय पर रिजल्ट प्रकाशन को लेकर काम तेज हो गया है। इस बीच उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य पूरा कर लिया गया ताकि स्थिति सामान्य होते ही बच्चे एक पेपर की परीक्षा लेकर स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट समय पर घोषित कर दिया जाए। तो जैसा आप सभी को पता है कि जो एक ही पेपर बची थी उसका जो है आपको 31 मार्च के बाद एग्जाम ली जाएगी, जब भी इसका शेड्यूल जारी होगा उसके अनुसार से एग्जाम ली जाएगी और उसके बाद एक ही पेपर का जो है बाद में मूल्यांकन कार्य होगा। अभी तक जितना भी पेपर हो चुका है आप सभी का, उस सारे पेपर का जो है मूल्यांकन कार्य पटना यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अभी स्थगित हुई परीक्षाओं के संशोधित शेड्यूल पर काम चल रहा है। जो भी 31 मार्च तक बंद होने के कारण जो भी शेड्यूल में परिवर्तन लाया गया उस पर काम चल रहा है। समय अनुसार कुलपति के निर्देश के बाद नया शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो जैसा कि पता है कि फ्रेंड्स, जो भी 31 मार्च तक आई है निर्देश बिहार सरकार, उन सारा कुछ बंद है, लेकिन जो भी एग्जाम हो चुके हैं उन सारा का कॉपी जांच जो है चालू है। उसमें दिया गया अतिथि शिक्षकों की छुट्टियां, पीयू में नियमित कर्मियों को बुलाया गया है, नियमित कर्मी जो भी है पीयू में उन सभी को बुला के कॉपी जाँच चालू है आप सभी का, लेकिन अतिथि शिक्षकों की छुट्टियाँ दे दी गई है। पदाधिकारियों शिक्षकों को तृतीय वर्गीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मियों को नियमित तौर पर विश्वविद्यालय महाविद्यालय विभाग में आने का निर्देश था। जैसा आपको कॉलेज जो है सो बंद हो चुके, लेकिन आप सभी का मूल्यांकन कार्य जो है वो अभी बंद नहीं हो, वो चल रहा है। जो भी आपका पेपर हो चुकी है पार्ट थर्ड की, जो भी पेपर हो चुकी है उन सभी का मूल्यांकन कार्य अभी चालू है। और जो भी पेपर, एक पेपर आप सभी का बच गया, उसका जो है 31 मार्च के बाद जो भी शेड्यूल आएगा उसके अनुसार से आप लोगों का एग्जाम लिया जाएगा और उसके बाद उसका जो है मूल्यांकन कार्य शुरू होगा। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, हॉस्टल को लेकर के संशय, पीयू डीन ने बताया कि पीयू को हॉस्टलों को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हॉस्टल के अधीक्षक और वार्डन को परिसर में स्वच्छता बहाल रखने का निर्देश दिए गए हैं। हॉस्टलों को लेकर शिक्षा विभाग की ओर से अभी कोई स्पष्ट दिशा निर्देश न होने से इसे खाली करने के लिए लेकर निर्णय नहीं लिया गया है। छात्रों से भी अभी परिसर को स्वच्छ रखने की अपील की गई है। जैसा आप सभी का फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मुझे यही बताना था कि जो भी पीयू के समय पर जारी करेगा स्नातक पार्ट थर्ड का रिजल्ट, तो ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि जो है आप सभी का मूल्यांकन चालू हो चुकी है और जो भी एक एग्जाम बची है उसका बाद में आपको 31 मार्च के बाद एग्जाम ली जाएगी और उसके अनुसार से आपका मूल्यांकन करने के बाद तुरंत ही समय पर रिजल्ट घोषित कर जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट। आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा।